भी हम आभार प्रकट करते हैं और कार्यकर्ताओं को यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि केवल संख्या में पिछड़ने के कारण हमारे समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने वाली। अंत्योदय जो हमारा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी उस कार्य को हाथ में लेकर समाज सेवा के कार्य में पहले की ही तरह लगी रहेगी। ना दैन्यम ना पलायनम, इस बोध के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे के रास्ते पर चलती जाएगी। कल हमारे कांग्रेस को भी चूंकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए कल हमने ये सोचा कि चूंकि उनके पास भी स्पष्ट जनादेश नहीं है और लोकतंत्र में ये अधिकार हमारे पास है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि हमें भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो प्रारंभिक रूप से हमने ऐसा विचार किया। लेकिन फिर बाद में ये महसूस किया कुछ बातें आने वाले कल के लिए हमको छोड़ना चाहिए और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल महोदया को अपना इस्तीफा सौंपा है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के हमारे अभी तक मुख्यमंत्री रहे, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसकी मिसाल देश के दूसरे राज्यों में नहीं मिलती। हमें गर्व है शिवराज जी के नेतृत्व पर, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का मस्तक समाज में गर्व से ऊपर उठा रहा है, क्योंकि एक ओर जहां विकास के कार्यों की गंगा प्रवाहित हुई पूरे प्रदेश में, वहीं उसके साथ साथ समाज के उस तबके का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हुआ जिनके बारे में कभी विचार ही नहीं किया गया। लेकिन ये सच है, लोकतंत्र में यही माना जाता है कि जिसके पास बहुमत है सरकार उसी की बनेगी और इसलिए बहुमत आज हमारे पास में नहीं है। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए थे जनता की सेवा के, विकास के, न सिर्फ वो उनको आगे बढ़ाएंगे बल्कि उनको और भी अधिक गति प्रदान करेंगे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व के कारण, जिनके मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विश्वास के साथ एक एक मतदान केंद्र पर डटा रहा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा लोकसभा में हमारे साथी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जो चुनाव अभियान समिति के संयोजक रहे हैं माननीय तोमर जी, उनके प्रति भी, हमारे जो केंद्रीय प्रभारी हैं पार्टी की ओर से माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रभात झा जी और उनके साथ साथ मैं अपनी पूरी टीम के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिसने पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ में ये चुनाव लड़ा है। और साथ में मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सबको और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, सरकार में रहने और ना रहने से हमारे उस लक्ष्य के प्रति, समर्पण के प्रति किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहेगा और मैं अपनी ओर से पुनः कांग्रेस को बधाई देते हुए ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने जनता से कहा है उस पर वो जरूर खरे उतरेंगे। मेरे साथ में हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जो फिर आपको पूछना होगा
उसके जवाब हम देंगे। मित्रों, 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उमा जी ने उस सरकार की नींव अनथक परिश्रम करके रखी थी। गौर साहब ने आगे बढ़ाया और बाद में 13 साल उस सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इन 13 सालों में प्रदेश का विकास, वैसे तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के कामों में जिन मित्रों का सहयोग मिला है, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं जनता का आभारी हूं। इन वर्षों में जनता से असीम स्नेह और प्यार, सरकार को विशेष रूप से मुझे सदैव मिलता रहा और अंतरात्मा से मैंने मुख्यमंत्री बन के नहीं, परिवार का सदस्य बन के सरकार चलाने की कोशिश की। मुझे लगता था 7.5 करोड़ मध्यप्रदेशवासी मेरा परिवार है, उनका सुख मेरा सुख है, उनका दुख मेरा दुख है, और इसलिए जितनी क्षमता मुझ में थी मेरी टीम के साथ प्रदेश के विकास में लगाने की कोशिश की और जनता के कल्याण की योजनाएं बनाई। आप जानते हैं मित्रों, जब सरकार हम लोगों ने संभाली थी प्रदेश बदहाली की स्थिति में था। सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे मोबाइल सामने खड़े थे। हमने भरसक कोशिश की कि हम अधोसंरचना के विकास में कोई कसर न छोड़े, और मुझे गर्व ये कहते हुए कि आज चाहे सिंचाई की व्यवस्था देख लें लोग, अब ये साधारण नहीं था कि 7.5 लाख हेक्टर से बढ़कर 41 लाख तक पहुंच गया, और 7 लाख तक की हमारी पूरी तैयारी हमने करी थी जो नए प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे। बिजली हो, पानी हो, शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन भरसक कोशिश की, क्षमता भर कोशिश की कि हम अपने प्रदेश को बेहतर स्थिति में ला पाए। केवल विकास नहीं, जनता के अलग अलग वर्ग के कल्याण की जो योजनाएं बनी उनके भी विस्तार में मैं जाके आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन अंतरात्मा से जहां मैंने दर्द और तकलीफ या तो बचपन में देखी थी कभी जनता की जिंदगी में या कहीं महसूस की, तो उसी दर्द में से एक योजना हमने बना के खड़ी की, चाहे वो लाडली लक्ष्मी जैसी योजना हो, चाहे संबल जैसी योजना हो, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन बचपन से जो तकलीफ जनता की जिंदगी में मैं महसूस करता था, मुझे लगता था कि उनको दूर करने के लिए कोई योजना हमें बनानी चाहिए, और मैंने लगातार कोशिश की और अंत में संबल जैसी योजना जो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व थी और गरीबों को उनका अधिकार देने का, हक देने का प्रयास था, क्योंकि मैं मानता हूं बहुत शिद्दत से, बहुत गंभीरता से कि प्राकृतिक संसाधनों पर इस देश के आम नागरिक का हक है, गरीब का भी हक है, मतलब विकास का प्रकाश गरीब के दरवाजे तक भी पहुंचना चाहिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये बांटना या वोट बटोरने का काम है, लेकिन वो भाव बिल्कुल नहीं था, वो प्राकृतिक संसाधनों में उनके हक को उनको वापस देना था। ऐसी अनेकों योजनाएं बनी, उसके विस्तार में जाके मैं आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन इस दौरान जाने अनजाने, क्योंकि तो जान के तो मैं कभी करता नहीं, किसी का दिल दुखे ये मेरे दिल को गवारा कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे किसी काम से, मेरे किसी शब्दों से, मेरे किसी भाव से 7.5 करोड़ मध्यप्रदेशवासी, मेरे भाई बहनों के मन को कभी कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं,
माननीय अध्यक्ष जी ने आभार प्रकट किए हैं वो दोहराव हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, लाखों कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया, उनके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। कभी मैंने ऐसा केंद्रीय नेतृत्व जो प्रदेश में इतना सहयोग करे, माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी अत्यंत व्यस्तता समय में से भी इतनी सभाएं मिलना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबका गर्व इस मायने में है कि पार्टी को नई ऊंचाइयों पर भी ले गए और एक एक चीज पर इतना बारीक ध्यान देने वाले अध्यक्ष मैंने, घनघोर परिश्रम करने वाले अध्यक्ष मैंने नहीं देखे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं, जनता का के आभारी हैं हम। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने जो काम किया और मेरे नेताओं ने, वो नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि दोहराव हो जाएगा, मैं अध्यक्ष जी से संबद्ध अपने आप को करता हूं, सबने परिश्रम किया। ये बात सच है कि 2008 में हमने वोट प्राप्त किए थे 38%, आप में से ध्यान में होते, और सीट हमको मिली थी 143, इस बार वोट प्राप्त किए हमने 40%, सीट हमें मिली 109। तो कई बार जनसमर्थन जनादेश का अंक गणित बिल्कुल अलग हो जाता है, इसे पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने तो भी सफलता वैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बात सच है कि हम बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, अपेक्षित सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाए, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल शिवराज सिंह चौहान है, केवल मैं हूं, क्योंकि इतने सहयोग के बावजूद अपेक्षित परिणाम ना ला पाना, और केंद्र सरकार के इतने अच्छे कामों के बाद, राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं के बाद हम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसके लिए दोष केवल मेरा है, कमी मुझ में ही कहीं ना कहीं है कि मैं उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन अपने सभी सहयोगी मित्रों को स्नेह के लिए, सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और जो नई सरकार आने वाली है, मैनेजरों की संख्या बल हमारे पास नहीं था, हमने फैसला किया कि ऐसे में हमको सरकार बनाने के प्रयास नहीं करने चाहिए, इसलिए इस्तीफा दिया। कमलनाथ जी को मैंने फोन किया, उनको मैंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और नई सरकार से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, जो भी नई सरकार आएगी अब, कि जनता के कल्याण की योजनाओं में निरंतरता रहती है, और जिस भाव से हमने योजनाएं बनाई, चाहे वो संबल हो, अब किसानों के लिए हमारा कमिटमेंट था 2100 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे, 500 रुपए कुंटल सोयाबीन पे देंगे, पसीने की पूरी कीमत मिले लहसुन में, प्याज में, धान का बोनस, कृषक समृद्धि योजना जिसका हमने नाम दिया था। संबल तो गरीबों के कबल है, इन योजनाओं को वो ठीक ढंग से चलाए, ये मेरा आग्रह है, क्योंकि व्यक्ति लोकतंत्र में आएंगे जाएंगे, वो व्यक्ति मायने नहीं रखते, लोकतंत्र का आनंद ही है कि जनता अपनी पसंद चुनती है, ये खूबी भी है हमारी, लेकिन व्यक्तियों के बदलने के साथ लोगों के कल्याण के योजनाएं नहीं बदलनी चाहिए, इसलिए मेरी अपेक्षा है कि नई सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी। जो अनेकों प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे उनमें निरंतरता रहेगी, उनको पूरा करने का प्रयास करेगी, और जो अपने
वचन पत्र में उन्होंने जो वचन दिए हैं, 10 दिन में कर्ज माफ जैसे वचन उसमें है, तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि तो राहुल जी ने कहा कि 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो मुझे विश्वास है तो वे सबको नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा कि 10 दिन में अगर ये कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो मैं बदल दूंगा, तभी उनका विषय है, वो तय करें, लेकिन उस कमिटमेंट को जरूर जो जनता से किया वो पूरा करेंगे। विपक्ष भी सशक्त है, 109 विधायक हमारे हैं और हम सशक्त लेकिन जिम्मेदार रचनात्मक विपक्ष का जो दायित्व मिला है उसका हम निर्वाह करेंगे। मेरा कमिटमेंट है रचनात्मक सहयोग, प्रदेश के हित के लिए जहां जरूरत होगी मैं साथ खड़ा नजर आऊंगा, और जहां गड़बड़ लगेगी, भाई जिस प्रखर विरोध की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम चुप बैठने वालों में से नहीं है कि हार गए तो एक आदमी ना आराम कर ले, ये तो सीखा ही नहीं है, आज से शुरू। नेता प्रतिपक्ष तो पार्टी तय करेगी, लेकिन फिर भी हम नेता तो रहेंगे ही भाई। अगला कदम तो लोकसभा का चुनाव 2019 का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने और हम लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त करें, उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे। एक एक मेरी आत्मा मध्य प्रदेश में ही बसती है, टाइटल आपको बताऊंगे अकेले में। दबी जवान में नहीं थी मैं, उससे और खुली जवान कैसे करूं भैया। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये प्रदेश का मुद्दा था। प्रदेश हम सब लोग माइक के लाल में, भाई आप भी और मैं भी उस पर अपनी अपनी माइक के लाल हम सब। नहीं नहीं एक मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं मैंने उनको फोन किया और फोन करके बधाई दी, ये देखिए लोकतंत्र में ये होना ही चाहिए। मैं एक मिनट भैया, मैं उस तरह के विरोध का हिमायती नहीं हूं कि जब भी कोई सरकारी आयोजन होता था मैं विपक्ष के नेता साथियों को आमंत्रित करता था, और पहले मध्यप्रदेश में स्वाद्र था कि वो आए भाग लें, लेकिन कुछ सालों से बंद कर दिया था। हम उस प्रवृत्ति के नहीं रहेंगे, राजनीतिक सौजन्य के नाते शिष्टाचार के नाते मेरी ड्यूटी थी कि मैं जीती हुई पार्टी के अध्यक्ष को बधाई दूं, मैंने बधाई दी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आना चाहता हूं तो मैंने कहा स्वागत है, और बात नहीं हुई बधाई और शुभकामनाओं का आदान प्रदान। नहीं सामान्य बात, मैंने जीत की बधाई दी,
आगे आगे देखिए होता है क्या। ये दोनों नारे दोनों स्टेट में फेल हो गए, तो आपको लगता है कि क्या ये नारा? अरे हम फेल हो गए ना, हमने बताया नारा आपके नेता कह रहे थे, आपके कुछ नेता कह रहे थे 100 से आसपास रहेगा, तो 100 के आसपास ही है, आप नहीं मान रहे थे। नहीं हम फेल हुए ना, इसलिए हमने स्वीकार किया। क्या मानते हैं जो उनको जो उनकी राजनीतिक आचरण जो उनको लगता है ठीक वो कहते हैं, जो मुझे लगा वो मैंने कहा। मेरा सवाल यह है जब भी आप हारते हैं तो उसके बाद दुगनी ताकत के साथ सामने आती है। जब दिग्विजय सिंह से आप हारे तो आप मुख्यमंत्री बने 15 साल तक रहे, अब सर दोबारा से आप हारे क्या महाराज आपको क्या तो आप क्या उत्साह के साथ? नहीं अभी तो मध्यप्रदेश में पूरे उत्साह का प्रदर्शन करूंगा। 13 मंत्री आपके हार गए हैं, बड़े चेहरे थे बीजेपी के, आपको लगता है कहीं ना कहीं टिकट वितरण में कुछ गलत निर्णय हुए उसके कारण? नहीं वो जो भी गलती थी मेरी थी, मैंने बता दिया। शिवराज जी क्या गलती रह गई? शिवराज जी गलती क्या रह गई? वो मैंने बता दी। शिवराज जी गलती क्या रह गई? शिवराज जी क्या रह गई जी? झूठ कहाँ हुई है? मतलब क्या आप कह रहे हैं कि केंद्र ने गलती क्या हुई? आप अच्छी नजर लेकर आए, आपकी गलती कहाँ? जनता तक हम ठीक जनता तक उस संदेश को ठीक पहुंचाते, उसके पहले भ्रम का वातावरण बहुत बना था, उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे, कई मुद्दे रहे। कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया कि कहीं ना कहीं भाजपा ने कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया और खुद को ओवर एस्टिमेट किया, तो क्या ये बात सही थी? धन्यवाद। मैं तो भरा पूरा छोड़ के आया हूँ, बाकी देखिए क्या होता है। मैंने कोई कमी होने दी क्या? बताओ किसानों को इतना पैसा हिंदुस्तान में किसी सरकार ने पसीने की कीमत नहीं दी, और एक पैसे की कमी कभी किसी योजना को पूरी करने में आने नहीं। तब आपके पास एक चेहरा था शिवराज सिंह चौहान, जो पूरे चुनाव में घूम गए और 145 सीटें ले आए। 13 के चुनाव में वो फिर घूम के गए और 165 सीटें ले आए। 18 के चुनाव में वहाँ से धर्मेंद्र प्रधान आ गए, संबित पात्रा आ गए, अरे वो 18 चुनाव वो फेल हो गया ना भैया, टिकट वितरण में और कहीं ना कहीं इतना फंसा दिया शिवराज सिंह चौहान को, जिसका ये परिणाम आपको नहीं लगता? शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता है, हम उनको फंसाने में नहीं आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे स्पेशली ये कि शिवराज सिंह चौहान की पॉजिटिव इमेज के बावजूद आप जादू या आंकड़े को नहीं छू पाए, या आपकी कार्यकारिणी जो कार्य प्रणाली उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता? नहीं खड़ा करता सर। राकेश सर मैं बोल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोल देता हूँ, एक मिनट देखो, देखिए बहुत विनम्रता के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस पूरे जो हमें सफलता नहीं मिली नीचे करो भाई, उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय सामूहिक होते हैं, हमारी कार्य पद्धति सामूहिक कार्य करने की है, और इसलिए सामूहिकता के साथ हम सब